है। तो महिला क्रिकेट टीम के कोच बनाया है दोस्तों किसको, रमेश पवार को। जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो पहली महिला वित्त मंत्री है दोस्तों जेनेट येलेन। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो पहली महिला उपराष्ट्रपति है दोस्तों कौन आपके, कमला हैरिस। कौन है, कमला हैरिस। विवेक मूर्ति दोस्तों अमेरिका के क्या है, सर्जन जनरल है। क्या दोस्तों, अमेरिका के सर्जन जनरल किसको नियुक्त किया है, विवेक मूर्ति को किया है। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ दोस्तों WHO की कार्यकारी जो बॉडी है इसका अध्यक्ष किसको बनाया, इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया पैट्रिक अमोथ। और मैंने कहा था दोस्तों आपसे ये केन्या के रहने वाले, कहां के, केन्या के। किसके स्थान पर दोस्तों, तो नोट करना, डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया, ये दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को किया गया। और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। तो आपके सामने दोस्तों फिर सुनिएगा, फटाफट सुनिए ना, एस रमन तुम मेरा हौसला हो क्या दोस्तों, जो ये कहते हैं ना ये किनास है। अगर आज इस दोस्तों 10वें क्वेश्चन के बाद में उनकी बोलती बंद ना हो जाए ना, अगर वो मुझसे ना कह दें कि सच में ये किनास नहीं, ये परिवार, क्या ये परिवार है दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा आपको, तब आप देखना कि मेरी मेहनत दोस्तों और साथ में मेरा कलेजा आपको दिखाने वाला हूं। एस रमन सिडबी के अध्यक्ष, सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, रेखा मेनन नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष, नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार, सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक, एनडी जैसी अमेजोन के नए CEO, एनवी रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश, नागोजी ओंकाजा इवेला WTO की पहली महिला अध्यक्ष, टीवी नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, फिर दोस्तों रमेश पवार महिला क्रिकेट टीम के कोच, जेनेट येलेन पहली वित्त मंत्री, कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति, विवेक मूर्ति सर्जन जनरल, पैट्रिक अमोथ WHO कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरे साथ में, पूरा मेरा दोस्तों साथ देना, क्या पूरा साथ देना इस लास्ट क्वेश्चन में, मुझे आपका साथ चाहिए ना। हाल ही में किस देश के सरकार के मुखपत्र समाचार पत्र ग्लोबल टाइम ने अमेरिका को परमाणु धमकी दी है दोस्तों, उस देश को परमाणु धमकी जिसने पहले ही जापान पर प्रैक्टिकल करके देख लिया। दोस्तों जापान के ऊपर पहले ही प्रैक्टिकल कर चुका है कौन, अमेरिका, उस दे रहा है। तो दोस्तों धमकी देने